प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने आयोजित समारोह में 10 नए वंदे भारत रेलगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल को विभिन्न रेल परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर मंडल के जैसलमेर सहित विभिन्न रेल स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के कियोस्क का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 के 75 दिनों में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सांसदों ने भी भाग लिया। विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही है। अगर मैं साल 2024 की ही बात करूं, 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं 2024 के। इन करीब करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। और अगर मैं पिछले 10-12 दिन की बात करूं, पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज भी विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। इस कार्यक्रम में अब यहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का और लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है।